एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में हमने अब तक देखा कि नीति या उसके फ्रेंड कुछ कहते उससे पहले अवंतिका मैम नीति को बुलाती है तो वो अपने फ्रेंड से बात मैं इस बारे में बात करेंगे ये कहकर अवंतिका मैम की तरफ चली जाती है। उसका नाम रजिस्टर होने के बाद अन्य मैम उसको कंपटीशन में शामिल हुए स्टूडेंट के साथ बैठने के लिए कहती है। नीति भी उनकी बात मानकर वहां से चली जाती है। इन सब में किसी ने भी सुरभि पर ध्यान नहीं दिया था, उसको सब ने इग्नोर कर दिया था। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से के मारे काला पड़ गया था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली थी। वो पहले तो नीति को वहां देखकर बेहद शोक थी। उसने तो नीति को स्टोर रूम में बंद कर दिया था तो वो अब ये पर की कर रही है। वो ये सब सोच ही रही थी तभी उसके कान में उसके ही क्लास के एक स्टूडेंट की आवाज आती है जो कि उसको आगे हॉल में जाकर बैठने को कहता है। अब जब नीति आ गई है तो अब तुम आराम से कंपटीशन देख सकती हो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। सुरभि को उसके बात पर गुस्सा तो बेहद आया पर वो गुस्से का घुट पी कर वहां से निकलकर कंपटीशन हॉल में आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। सुरभि को वापस आता देख नेहा उससे कहती है क्या हुआ, तुम तो कंपटीशन में भाग लेने गई थी ना, तो तुम वापस क्यों आ गई हो। इतना कहकर वो उसकी तरफ देखकर उसके जवाब का इंतजार करने लगती है। सुरभि नेहा की तरफ देखकर अपनी गुस्से को शांत करके जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ नेहा को बताती है। नेहा को भी उसके लिए बुरा लगता है। वो उसको सत्वना देने लगती है। उनके कुछ दूरी पर बैठी अनाया उनकी तरफ ही देख रही थी। जब से सुरभि कंपटीशन हॉल में आई थी तब से इस वक्त अनाया के चेयर पर जंग जीतने जैसी मुस्कान थी। वो उनको एक नजर देखकर अपना चेहरा आगे स्टेज की तरफ करती है। उसके चेहरे के आगे करने के ठीक बाद में सुरभि उसके तरफ देखती है। उसको लगता है कोई उसको गुर रहा है पर वो जब उस तरफ देखती है तो उसको कोई भी खुद को गुराता हुआ नहीं दिखता। वो अपना बेहेम समझकर नजरअंदाज करके सामने देखने लगती है। थोड़ी ही देर नई कंपटीशन शुरू हो जाती है और इस कंपटीशन की विनर नीति होती है। नीति को सारे स्टूडेंट और टीचर उसके जीतने पर कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। इस कंपटीशन के बाद उसका नाम भी बड़ा होने वाला था। साथ नई ही स्कूल अपनी नंबर वन रैंकिंग भी बनाए रखने में कामयाब रहने वाला था। सुरभि और नेहा ही इस बात से खुश नहीं थे। वो दोनों ने ही विनर अनाउंस होने के बाद वो हॉल छोड़ दिया था। अनाया भी आज खुश थी। उसने सुरभि को स्कूल में फेमस होने से रोक दिया था, उससे बड़ा लेने की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ाया था। अनाया और रावि भी कंपटीशन के एंड होते ही नीति को बधाई देकर वहां से चले जाते हैं। अनाया रावि को अपने घर छोड़कर वो मित्तल मेंशन की तरफ चली जाती है। वो इस वक्त बेहद खुश थी और थोड़ी डरी हुई भी थी। वो अपनी फैमिली से मिलने वाली थी जिनको इसने पिछली लाइफ में खो दिया था। इस बार वो उनको किसी भी कीमत पर को नहीं सकती थी। जैसे जैसे मित्तल मेंशन करीब आ रहा था वैसे वैसे उसकी धड़कन बढ़ रही थी। थोड़ी ही देर में उसकी कार मित्तल मेंशन के सामने आकर रुकती है। ड्राइवर कार से निकलकर उसके लिए गेट ओपन करता है। अनाया कार से उतरकर अपने सामने के मित्तल मेंशन को देखती है। उसको देखती है उसकी आंखें नम हो जाती है। उसने इस मेंशन को अपने आंखों के सामने मिट्टी में बदलते हुए देखा था। वो अपने इमोशन पर कभी करके आगे बढ़ती है। मेंशन के डोर के सामने आकर रुकती है और अपनी कैपते हाथों के साथ डोर बेल बजाती है। कुछ ही सेकंड में दूसरी तरफ से कोई डोर ओपन करता है। ये कोई और नहीं बल्कि उसके पापा हर्षवर्धन मित्तल थे। वो जब उनको अपने सामने देखती है तो उसकी आंखें फिर से नम हो जाती है। वो जल्दी से जाके उनके गले लग जाती है। उनसे कहती है आई मिस यू डैड, आई मिस यू सो मच। हर्षवर्धन मित्तल यानी कि अनाया के डैड पहले तो अनाया के इसे अचानक गले लगने से शोक ही हो गए थे। वो उसके बातों से होश में आते हैं। वो जब अनाया के मुंह से आई मिस यू डैड सुनते हैं तो उनकी आंखों भी नम हो जाती है। वो उसे टाइट हग करते हैं और उसके बालों को सहलाते हुए उससे कहते हैं बेटा मैं यहीं पर हूँ, आई ऑल्सो मिस माई बच्चा। इतना कहकर वो उसके माथे पर एक छोटा सा किस करके उसके बाल सहलाने लगते हैं।
वो आज बाहर खुश थे। आखिर कितने दिनों बाद उनको उनकी पहले की तरह बेटी मिल गई थी। उसने उनको इतने प्यार से हग करके डैड कहा था। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को गले लगाए डोर पर ही खड़े थे, तभी उनको पीछे से किसी की आवाज आती है जो कि उन दोनों को देखकर कह रही थी, ये क्या है हर्षवर्धन, तुमने मेरी गुड़िया को डोर पर ही खड़ा किया है, उसको अंदर तो आने दो, थक गई होगी। उनकी आवाज से दोनों ही अपने होश में आते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं। अनाया जगह से आवाज आती है, उस तरफ देखती है तो उसे वहां पर सुवर्णा मित्तल यानी कि अपनी दादी खड़ी हुई दिखती है। वो उनको देखकर दौड़कर जाकर उनके गले लग जाती है। वो इस बात का पूरा ख्याल रखती है कि उनको चोट न लग जाए उसके ऐसे दौड़कर उनके गले लग जाने से। अनाया के डैड अपने नम आंखों को साफ करके डोर क्लोज करके अंदर आकर अपनी बेटी और माँ को ऐसे गले लगाए प्यार से देखे लगते हैं। अनाया के गले लगने पर दादी भी उसका सर प्यार से सहलाती हैं, उसके सिर पर किस कर कि उसको अपने साथ सोफे पर बिताती है। अनाया सोफे पर बैठने के बाद अपना सर अपनी दादी माँ की गोद में रखकर अपनी आंखें बंद करती है। उसे आज कितने दिनों के बाद सुकून मिला था। आज वो बेहद खुश थी अपने घर आकर अपने डैड और दादी को जिंदा सही सलामत देखकर। उसकी दादी को अनाया का बिहेव कुछ अलग लगता है, पर वो उसे नजरअंदाज कर उसके बालों को प्यार से सहलाने लगती है। अनाया के डैड उन दोनों के सामने वाले सोफे पे बैठ के उन दोनों को प्यार से देखने लगते हैं। आज उनको अपनी बेटी का ऐसे बच्चे के तरह बिहेव करते देखकर अच्छा लग रहा था, जिसे वो बेहद मिस कर रहे थे। अनाया अपनी दादी का प्यार महसूस कर ही रही थी कि तभी डोर बेल बजती है और कोई अंदर आता है। वो कुछ कहता है, उसकी आवाज सुनकर अनाया अपनी आंखें खोलती है। उसके आंखों में इस वक्त बेहद गुस्सा दिखाई दे रहा था। अनाया किसी की आवाज सुनकर अपने दादी के गोद से उठ जाती है और जो कोई भी थोड़ी देर पहले अंदर आया और बातें कर रहा था उसकी तरफ देखने लगती है। जो लड़की अंदर आई थी उसने अनाया की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, वो भी उस हॉल में मौजूद है। वो सीधा आकर अनाया के डैड यानी कि हर्षवर्धन मित्तल से अनाया को शिकायत करने में लगी थी। इससे बेखबर की अनाया उसकी सारी बातें सुन रही थी और उसकी बातें सुनकर इस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल करके बैठी थी। उसके आंखों में एक अलग ही तरह का गुस्सा बार था इस आवाज के लिए, या यूं कहे जो भी बात कर रही थी अभी उस लड़की के लिए। अनाया के डैड और दादी उस लड़की की बातें सुन रहे थे। इस वक्त उनके चेहरे पर उसकी बातों से क्या चेंजेस हो रहे थे ये देखना मुश्किल था। उन दोनों के फेस से इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं ये पता लगाना इम्पॉसिबल था। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अनामिका थी, जो कि हर्षवर्धन जी के बिजनेस पार्टनर की बेटी थी, जो कभी कभी उनके घर पर रहने आ जाती थी। सबको वो अपनी मिट्टी मीठी बातों से अपनी तरफ कर लिया था। सबके सामने वो एक अच्छी संस्कारी लड़की होने का नाटक कर रही थी। उसकी नजर मित्तल खानदान की जायदाद पर थी। वो कैसे भी करके उनकी जायदाद की मालकिन बनना चाहती थी, इसलिए वो मित्तल खानदान में आकर सारे बड़े लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। उसको पता था मित्तल खानदान के दो पोते थे जिनको किसी ने भी नहीं देखा था। वो बस फैमिली का दिल जीत कर उन में से एक से शादी करना चाहती थी और इस खानदान पर राज करना चाहती थी, पर ये उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला था। वो अनाया की इम्पोर्टेंस उस घर में जानती थी, इसलिए वो अनाया के सामने झूठा उसके लिए अच्छी होने का दिखावा करती थी और उसके परिवार के दिल में उसके पीठ पीछे जहर खोलने का काम करती थी। वो उनको ऐसे ऐसे बातें बताती थी जो कभी अनाया ने की ही नहीं थी। अनाया अपने पिछले जन्म में कभी भी अपने परिवार से ज्यादा गुली मिली नहीं थी। उसको जो डरावने सपने आ रहे थे जिससे वो काफी डिस्टर्ब होती थी, इसलिए वो परिवार से दूर ही भागती थी। इसलिए उसकी अनाया उसके पीठ पीछे क्या करती थी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर अब वो खुद अपने कान से सब सुन रही थी। उसको तो पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था, उसने अपने ही घर में किसी सांप को सहारा दिया था। अनाया के वजह से ही अनामिका को मित्तल फैमिली में रुकने का या यूं कहे रहने के लिए मिलता था। अनाया 5 साल
की थी। तब से उसे बुरे सपने आते थे, वो किसी से भी उस बारे में के नहीं पती थी। उसके डैड भी तब अपनी कंपनी में बिजी थे, वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। और वो जब 5 साल की तभी कुछ ऐसा हुआ था कि वो अपनी फैमिली से दूर ही भागती थी। उसके अंदर एक डर बैठ गया था, इसलिए वो अपने में ही गुम रहती थी। अनामिका की वजह से वो थोड़ा बहुत फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करती थी, जिस वजह से उसकी फैमिली अनामिका को अच्छी तरह से ट्रीट करती थी और अनामिका उसका गैर फायदा लेती थी। वो अनाया की जगह लेना चाहती थी, इसलिए वो अनाया के खिलाफ उसके परिवार वालों को भड़कती थी। वो भी ऐसा कि कोई उसको गलत कह ही नहीं सकता था। अभी भी अनामिका अनाया के डैड से कह रही थी, हेलो अंकल, वो आपको पता है अनाया कहा है मुझे, उससे कुछ कम था। वैसे अंकल मैं आपको एक बात बताती हूँ, पर प्लीज अनाया को मत बताना, मैंने आपको इस बारे में बताया है। मैं आपको कुछ बताना तो नहीं चाहती, पर ये बात आपको पता होनी चाहिए, वो एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड्स को कहते सुना था कि अनाया इतनी कम उम्र में नशा करने लगी है। मेरे एक फ्रेंड ने उसको क्लब जाते देखा था। उसे सुनते ही हर्षवर्धन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, और दादी माँ के भी वो जानती थी, उनकी पोती ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। उनने अपने खास आदमी को उसके सेफ्टी के लिए उसके पीछे लगाया था, जो उसके बारे में हर एक बात उनको आकर बताता था कि वो दिन बार कहाँ थी, उसने क्या किया, वो किससे मिली, सब कुछ। अनामिका ने जब हर्षवर्धन मित्तल के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे, जो कठोर हो गए थे, जिसको देख के उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, पर उसने जल्दी से उसे छुपा लिया। वो मासूम बनने का नाटक कर रही थी। वो अपने मन में ही कहती है, ये तुम्हारी सजा है अनाया, तुम खुद को समझती क्या हो, तुमने मुझे इग्नोर किया। मुझे अनामिका साहू को अब देखना, मैं तुमको कैसे तुम्हारे ही परिवार के नाक्स्टों में गिरा देती हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। अनामिका अपने चेयर पर मासूम एक्सप्रेशन लेकर उनसे कहती है, अंकल मुझे भी पहले इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने उसको क्लब के अंदर जाते हुए देखा है, मेरे पास सबूत भी है। वो इतना कहकर अपने साथ लाए हुए फोटोग्राफ हर्षवर्धन मित्तल के सामने कर देती है, जिसमें अनाया क्लब में एंटर करती हुई नजर आती है, पर उसके साथ 2 और लोग भी थे, उनका चेहरा अच्छे से दिख नहीं रहा था। साथ में वो दोनों लड़के हैं या लड़की, ये भी पता नहीं लग रहा था। हर्षवर्धन मित्तल जब वो फोटोग्राफ देखते हैं तो उनकी आंखें ठंडी हो जाती है। वो एक बार उन फोटोग्राफ को देखकर फिर से अनामिका की तरफ अपनी कठोर नजरों से देखने लगते हैं। उनकी नजर से तो एक बार अनामिका डर ही जाती है, पर फिर खुद को नॉर्मल करके उनकी तरफ मासूमियत से देखती है। इस वक्त वो बेहद मासूम लग रही थी, जैसे उसने दुनिया भर की सारी मासूमियत अपने अंदर इकट्ठा की हो। वो उनकी तरफ देखकर कहती है, अंकल अनाया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं नहीं चाहती कि वो किसी गलत संगत में पड़े या इतनी कम उम्र में कोई नशा करे, मैं उसका भला चाहती हूँ, इसलिए आपको सब बता रही हूँ। वो आगे कुछ कहना चाहती थी, तभी उसका फोन बजा और उधर से कुछ कहा गया, जिसे सुनने के बाद वो अपना कॉल कट करके हर्षवर्धन मित्तल की तरफ देखकर कहती है, अंकल डैड का कॉल आया था, कुछ जरूरी काम है तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं बाद में आके अनाया से मिल लूंगी। इतना कहकर वो बिना हर्षवर्धन मित्तल को कुछ बोलने का मौका दिए बिना वहां से चली गई। वही अनाया जो जब से गुस्से से उसको ही देख रही थी, वो आगे बढ़कर उसको जवाब देने वाली थी, पर उसकी दादी ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया था। अनामिका के जाने के बाद अनाया अपने डैड के सामने जाके खड़ी होकर उनकी आंखों के आंखें डालकर कहती है, डैड वो जो भी बोल रही वो सच नहीं है। इतने देर पहले हर्षवर्धन मित्तल अपनी कठोर आंखों से अनामिका को देख रहे थे, जब उनने सामने अपनी बेटी को खड़ा देखा, जो उनको अपनी सफाई दे रही थी, उसको देखकर ही उनकी कठोर आंखें नरम हो गई। वो अपने आंखों में प्यार लिए अपनी प्रिंसेस को देख रहे थे। वो अनाया को बीच में ही रोककर उससे कहते हैं, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है प्रिंसेस, हम सब जानते हैं आप कभी वैसा कर ही नहीं सकती। और बाद में अपने हाथों में पकड़े हुए फोटोग्राफ की तरफ देखकर
कहते हैं हम जानते हैं कि आप अपने भाइयों के साथ इस क्लब में गई थी और हमको आप पर पूरा भरोसा है। आप कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। दादी माँ अनाया के पास आकर उसके सिर पर हाथ रख कर कहती है, तुम टेंशन न लो मेरा प्यारा बच्चा, हम सबको पता है हमारी प्रिंसेस ऐसा काम कभी नहीं करेगी। और आप अभी तक कर आई हो, स्कूल से जाओ, जल्दी जाके फ्रेश हो जाओ और इस बात को यही छोड़ दो। अनाया अपने दादी और डैड के गले लग के वहां से अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसके वहां से जाते ही हर्षवर्धन मित्तल और सुवर्णा मित्तल का चेहरा कठोर हो जाता है। सुवर्णा मित्तल यानी कि अनाया की दादी और हर्षवर्धन मित्तल की माँ उसके तरफ देखकर कहती है, हर्ष आज जो भी हुआ वो फिर से नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते हमारी प्रिंसेस पर इसका असर पड़े। हमें पहले से ही वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम तो उसको बस प्रिंसेस की वजह से ही जेल रहे हैं। अब तो हद ही हो गई है। वो हमें ही हमारे प्रिंसेस के खिलाफ बरकने की कोशिश कर रही है। आप जानते हो ना, अगर हम पहले से ही इस बात के बारे में पता नहीं होता कि सच्चाई क्या है और अगर हमने अपने प्रिंसेस का दिल दुखाया होता तो क्या होता। पहले ही 5 साल पहले हुए हादसे के कारण प्रिंसेस हम सब से दूरी बनके रखती थी और आज वो कितनी प्यार से हमारे पास आई थी। अब हम अपनी प्रिंसेस को किसी भी कीमत पर होना नहीं चाहते हैं। तो आप कुछ भी करके उस अनामिका का कोई इंतजाम कर दो। बेहद शातिर लड़की है वो। इतनी कम उम्र में ही आपने देखा नहीं कैसे मासूम सकल बनके झूठ बोल रही। अगर किसी को सच पता नहीं होता तो सच में उस पर विश्वास करके अपने बच्चे के साथ गलत करते। हर्षवर्धन मित्तल को भी अपनी माँ की बात सही लग रही थी। वो अपने माँ के बातों में सहमति जताते हैं और वो सब ठीक कर देंगे ऐसा उनको आश्वासन देते हैं। वो अपनी माँ की तरफ देखकर कहते हैं, मॉम हम इस अनामिका के आने से पहले बेहद खुश थे। आपको पता है ना, आज हमारी प्रिंसेस ने कितने दिनों के बाद हमको ऐसे प्यार से हग किया था। डैड कहा था इस पल के लिए हम कब से तरस रहे थे, पर उस अनामिका ने सब गड़बड़ कर दी। पर कोई ना, अब हम आज का दिन प्रिंसेस के लिए खास बनाएंगे। इतना कहकर वो अपने मॉम को अपनी प्लान के बारे में बताते हैं, जिसको सुन के उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वो भी अपना सिर सहमति में हिलाकर वहां से अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। उनके जाने के बाद अनाया के डैड वही सोफे वो बैठ जाते हैं। वो किसी को कॉल कर कुछ इंस्ट्रक्शन देकर अपना कॉल कट कर देते हैं। सोफे पे बैठकर वो सोचने लगते हैं, अगर उन्होंने अपनी प्रिंसेस के सेफ्टी के लिए अपने खास बॉडीगार्ड नहीं लगाए होते जो कि उसकी पल पल की खबर उनको देते थे, जिस वजह से उनको पता था अनाया क्लब में क्यों और किसके साथ गई थी। हर्षवर्धन मित्तल ने भी अपनी माँ सुवर्णा मित्तल की तरफ अपने बॉडीगार्ड अनाया के सेफ्टी के लिए उसके पीछे लगाया थे, जो कि अनाया को छुपकर फॉलो करते थे और उसको प्रोटेक्ट भी करते थे साथ में। इस वजह से उनको अनाया कहाँ पर है, किसके साथ है, वो कोई मुसीबत में तो नहीं, इन सब बारे में पता चलता था। वो यही सोच रहे थे अगर उनको सच्चाई पहले से नहीं पता होती और वो अनामिका के बातों में आते तो क्या होता। वो कुछ देर ऐसे ही अपनी सोच के गुम रहते हैं। कुछ देर बाद अपना सिर जाती कर अपनी सोच से बाहर आते हैं और अपने असिस्टेंट को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। अपनी असिस्टेंट से बात करके हर्षवर्धन मित्तल सोफे से उठकर किचन की तरफ चले जाते हैं। उनकी किचन की तरफ जाते अभी घर आए उनके डैड यानी कि अखिलेश मित्तल और उनके बड़े भाई देवराज मित्तल देख लेते हैं। अखिलेश मित्तल उनको आवाज देकर रोकते हैं और उनसे कहते हैं, हर्ष तुम कहाँ जा रहे हो। उनकी बात पर हर्षवर्धन मित्तल अपने डैड की तरफ देखकर कहता है, डैड किचन में प्रिंसेस के लिए उसकी फेवरेट खाना बनाने के लिए। अखिलेश मित्तल और देवराज मित्तल को एक सर्वेंट पानी लेकर देता है। देवराज मित्तल पानी का एक घूंट लेकर अपने छोटे भाई की तरफ देखकर कहता है, किया हुआ है क्या आज और प्रिंसेस कहाँ है, क्या वो घर आ गई है। उसकी बात पर हर्षवर्धन जी उनकी तरफ देखकर कहते हैं, हाँ भाई प्रिंसेस घर आई है। पर अपने बेटे की बात सुनकर अखिलेश जी बेहद खुश हो गए जब उनने सुना उनकी पोती घर आ गई है। पर अपने बेटे के
बात अधूरी छोड़ने पर वो उसकी तरफ देखकर कहते हैं, हर्षवर्धन क्या बात है, साफ साफ बताओ। अपने डैड की कड़क आवाज सुनकर हर्षवर्धन उनकी तरफ देखकर उनकी अभी थोड़ी देर पहले जो भी कुछ हुआ वो सब बता देता है। उसकी बात सुनकर अखिलेश मित्तल और देवराज मित्तल के चेहरे पर परेशानी के भाव आते हैं। अखिलेश जी अपने छोटे बेटे हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहते हैं, अभी प्रिंसेस कहा है, वो ठीक तो है ना? हर्षवर्धन जी कहते हैं, हाँ पापा, आप चिंता मत करो, सब ठीक है, प्रिंसेस अपने रूम में है। देवराज मित्तल यानी के हर्षवर्धन के बड़े भाई उससे कहते हैं, अनामिका को प्रिंसेस से दूर ही रहना होगा, हमने गलती कर दी। अनामिका को मित्तल मेंशन में आने की परमिशन देकर उसने तो अबाद ही कर दी हमारी। प्रिंसेस के खिलाफ हमको ही भड़काने की कोशिश कर रही है, हमें कुछ करना होगा। अखिलेश जी और हर्षवर्धन को उनकी बात सही लगती है, वो उनकी बात पर सर हिलाकर अपनी सहमति जताते हैं। अखिलेश जी अपने दोनों बेटे को देखकर कहते हैं, आज हमारी प्रिंसेस कितने दिनों बाद घर पर आई है, हमको उसका आज का दिन स्पेशल बनाना होगा। उनकी बात पर हर्षवर्धन उनको अपना प्लान बताता है, जिस पर दोनों खुश होकर सहमति दिखाते हैं और अनाया को सरप्राइज देने की तैयारी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबको बता दूं कि अनाया अपने फैमिली के साथ नहीं रहती थी, वो बट कुछ खास फंक्शन पर ही घर आती थी। वो हॉस्टल में रहती थी, अनामिका की वजह से वो एक दो बार घर पर आई थी, जिस वजह से सब लगता था कि अनामिका ही है जो उनकी प्रिंसेस को उनके पास ला सकती है, पर ये उनकी गलत फहमी थी जो दूर हो रही थी। अनाया अपने रूम में आती है, वो रूम में जाके पूरे रूम को देखने लगती है, वो पूरा रूम वैसा ही था जैसे वो छोड़कर गई थी। वो रूम ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोज आकर वहां की सफाई करता था, वो पूरा रूम एक प्रिंसेस की थीम में डेकोरेट था। वो रूम बेहद बड़ा था, जिसमें तीन डोर थे, एक बालकनी का, दूसरा बाथरूम का और तीसरा वार्डरोब का था। उस रूम में एक बड़ा किंग साइज बेड था, जिस पर बेबी पिंक कलर की बेडशीट, कुशन और ब्लैंकेट था। बेड के पीछे की दीवार पर अनाया की एक बड़ी सी पेंटिंग लगी थी, जिसमें उसके हाथ में गिटार था और उसने बेहद ही अच्छी पोज दी थी। उस रूम की दूसरी रूम में अनाया की बचपन से लेकर अब तक की सारी फोटो लगाई गई थी, साथ में फैमिली की भी फोटोज थी। अनाया अपने रूम को बड़े गौर से देख रही थी, उस रूम को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है, उसकी बेहद सारी अच्छी बुरी यादें इस रूम से जुड़ी थी। वो कुछ देर ऐसे ही रूम को देखती है, बाद वो अपने रूम में बने उसके खुद के वार्डरोब में चली जाती है। वहां जाके वो एक सिंपल सा फ्रॉक निकलती है, जो की लिमिटेड एडिशन था, जिसकी प्राइस लाखों में थी। उसका कपड़ा बेहद ही सॉफ्ट था। अनाया के पूरे वार्डरोब में बेहद सारे लिमिटेड और लेटेस्ट एडिशन के कपड़े थे। वो यहाँ पर नहीं रहती, फिर भी उसके डैड हमेशा उसकी वार्डरोब को लेटेस्ट एडिशन के ड्रेसेस से भर देते थे। उसके वार्डरोब में हर तरह के ड्रेस थे, एक साइड डेली यूज के कपड़े थे, पार्टी वेयर, उसी के साथ ही इंडियन ड्रेसेस, जीन्स टॉप, नाइट सूट, गाउन, ऐसे ही हर टाइप के कपड़े उसके वार्डरोब में मौजूद थे, वो भी सारे टॉप ब्रांड और इंटरनेशनल फेमस ब्रांड के थे। अनाया अपने लिए उन सब में से एक सिंपल सी वाइट कलर की फ्रॉक निकलती है, जो कि उसके घुटने तक थी। उसमें मिस कलर के बेहद ही सुंदर फ्लावर थे। वो उसे लेके बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वही लंदन में एक बड़े से घर में एक लड़का अपने स्टडी रूम में बैठ ले कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। वैसे उसको घर नहीं, महल कह सकते हैं, जो बेहद ही बड़ा और खूबसूरत था, साथ में उसमें मॉडर्न टच भी था। इस वक्त उस लड़के के चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद खतरनाक थे। वो जैसे जैसे वो पढ़ रहा था, उस डॉक्यूमेंट के पन्ने पलट रहा था, उसमें जो लिखा था वो पढ़कर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। पूरा डॉक्यूमेंट्स पढ़कर वो अपना फोन निकल कर किसी को कॉल करता है, वो उसको कुछ कहता है और अपना फोन काटकर उसे अपने जेब में रखकर उस रूम से उठकर अपने बेडरूम में चला जाता है। इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा था, ये पता लगा पाना मुश्किल था। वो लड़का अपने रूम में जाके सीधा चेंजिंग रूम में जाके अपने कपड़े चेंज करता है। इस वक्त उसने ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, उस पर ब्लैक जैकेट पहना था, साथ में उसके चेहरे पर ब्लैक मास्क था, उसकी बस नीली आंखें ही
दिख रही थी जिसमें इस वक्त कोई इमोशन नहीं था। उसने अपने सिर पर एक ब्लैक कलर की कैप पहनी और वो उस रूम से निकलकर उस महल के बाहर खड़ी अपनी कार में बैठकर कहीं चला जाता है। उसके कार के पीछे और आगे दो दो बॉडीगार्ड की कार चल रही थी। वो सभी कार ब्लैक ही कलर की ही थी। शायद ब्लैक कलर उसको कुछ ज्यादा ही पसंद था। इंडिया वेस्टर्न क्लब। इस वक्त क्लब में डांस फ्लोर पर बेहद सारे गर्ल्स और बॉयज डांस कर रहे थे। म्यूजिक तेज स्पीड से बज रहा था। उसी क्लब में बार काउंटर पर एक आदमी बैठा था जो कि अपने सामने डांस फ्लोर पर डांस कर रहे लोगों को देख रहा था। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था। वो सामने देखते देखते वाइन का आनंद ले रहा था। वो अपने गंदी नजर से डांस फ्लोर पर अपने ही धुंध में नाच रही लड़कियों को देख रहा था। थोड़ी देर में उस आदमी के फोन पर किसी का कॉल आता है। वो कॉल उठाकर अपने कान पे लगता है। उधर से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर उस आदमी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाए है। वो कॉल कट कर उस क्लब से बाहर निकल जाता है। क्लब से बाहर आकर अपनी कार में बैठकर कहीं चला जाता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि विनीत त्रिपाठी है, जो त्रिपाठी इंडस्ट्री के मालिक विनायक त्रिपाठी का छोटा भाई है। ये भी अपने भाई की कंपनी में उनके साथ काम करते था। बस दुनिया को दिखाने के लिए ये अपने भाई और परिवार के सामने बेहद शरीफ बनते थे, पर असल में वो उसके विपरीत था। ये अपने भाई के फिट पीछे इलीगल काम करते थे। अभी इंडिया में जो भी इलीगल काम हो रहे थे उन सब में ज्यादातर इसका ही हाथ रहता था। अभी ये अपने घर यानी कि त्रिपाठी मेंशन की तरफ जा रहे थे। उन्हें जो थोड़ी देर पहले कॉल आया था वो किसी और का नहीं बल्कि इनके बड़े भाई का ही था, जो इनको घर बुला रहे थे। मित्तल मेंशन। मित्तल मेंशन में आज बाकी दिनों से एक अलग ही रौनक थी। और रौनक क्यों ना हो, आखिर उनकी प्रिंसेस कितने दिनों बाद घर आई हुई है और सारे लोग उसको सरप्राइज देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। आज तो अनाया के डैड और बड़े पापा ने मिलकर उसके पसंदीदा खाना बनाया था। हर्षवर्धन मित्तल और देवराज मित्तल किचन में जाके खुद खाना बनाए, ये बेहद ही रेयर बात थी। पर आज वो दोनों ही अपनी लाडली को खुश करने के लिए उसके पसंद का खाना बना रहे थे। पूरा हॉल सजाया गया था। देवराज मित्तल की वाइफ सिया मित्तल भी अब तक घर वापस आ गई थी और जब उनको पता चला उनकी लाडली आई है तो वो बेहद खुश हो गई थी। वो उससे मिलना चाहती थी पर सबने उनको रोक लिया और उनको अपने सरप्राइज में शामिल कर दिया। अनाया रूम से बाहर न आ जाए इसलिए सुवर्णा मित्तल यानी उसकी दादी उसके पास उसके रूम में थी। उन्होंने रूम में ही उसके लिए कुछ स्नैक्स मंगवाया था। दोनों दादी पोती वही बैठकर गप्पे मार रही थी। अनाया आज कितने दिनों बाद बेहद खुश लग रही थी। इधर हॉल में सारी तैयारी हो चुकी थी। एक सर्वेंट अनाया के रूम में उसको नीचे बुलाने के लिए आता है। अनाया भी खुशी खुशी अपने दादी के साथ नीचे चली जाती है। वो जब नीचे हॉल में आती है तो वहां पर अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो कुछ कहती या बोलती उससे पहले ही उसके ऊपर फूलों की बारिश हो जाती है और उसी के साथ लाइट ऑन होती है और उसके कान में आवाज सुनाई देती है अपनी फैमिली की, जो कि उसको कह रहे थे वेलकम होम प्रिंसेस अनाया। ये सब देखकर बेहद इमोशनल हो जाती है। उसने अपनी पिछली लाइफ में ये सब कभी नहीं देखा था, जिसकी वजह खुद वो ही थी, को अपने परिवार से हमेशा दूर भागती थी। पिछली लाइफ में वो अपने 10 के एग्जाम के बाद में ही छुट्टिया में घर आई थी। उससे पहले वो घर पर नहीं आई थी, अगर आती तो भी सुबह आकर शाम को चली जाती थी। उसके रिबॉर्न के बाद जब वो घर में आती तो उसको उसकी फैमिली ऐसा सरप्राइज देगी इसका उसको कुछ भी अंदाजा नहीं था। वो दूर हॉल में अपनी नजरें घुमा के देखती है जो कि पूरा डेकोरेट किया था। साथ में उसके आगे टेबल पर उसके पसंद के फ्लेवर का केक रखा था जिसमें वेलकम प्रिंसेस लिखा था। ये सब देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। उसको ऐसा इमोशनल होते देख के उसकी बड़ी माँ यानी कि सियाजी जल्दी से आगे आकर उसके आंसू पोंछकर उसको अपने गले लगाती है। वो उससे अलग होकर उससे कहती है, प्रिंसेस डोंट क्राई, आपके आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं देते। आपको पता है आज आपके पापा और बड़े पापा ने आपके पसंद का खाना बनाया है, वो भी आपके लिए।
ये सुनकर अनाया अपने सामने खड़े अपने पापा और बड़े पापा की तरफ देखती है, जो कि उसको अपने तरफ देखकर सिर हिला देते हैं। उनके ऐसे करते हैं अनाया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो बेहद खुश थी अपने फैमिली का अपने लिए प्यार देखकर और खासकर अपने पापा और बड़े पापा के हाथ का खाना खाने के लिए, जो उसने कितने साले से मिस किया था। दादाजी आगे आके अनाया के सिर पर हाथ रखते और उससे कहते हैं, गुड़िया चलो केक काटते हैं, फिर डिनर भी तो करना है। तुमको पता है खाने के खुशबू से ही मेरी भूख और बात गई है, चलो जल्दी पहले केक काटते हैं, फिर हमको खाना भी तो खाना है। उनकी इस बात पर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। दादी बीच में ही अपना मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ आपको तो खाने के आगे कुछ दिखता ही नहीं। इतना कहकर वो अनाया के पास आकर खड़ी हो जाती है। उनकी बात सुनकर दादाजी उनसे कहते हैं, भाग्यवान बात तो आपकी बिल्कुल सच है। अरे भाई, आज मेरे दो बेटे ने खाना बनाया है और भी इतना स्वादिष्ट, जिसकी खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। उनकी बात पर दादी कुछ नहीं कहती। उनको पता था अगर अब उनने कुछ कह दिया तो फिर दादाजी शुरू हो जाएंगे अपना कथा पुराण लेके। श्रेया अपने दादी दादाजी को ऐसे खुश देखकर वो भी खुश होती है सबके के कहने और वो केक कट कर देती है और सबको खिलाती है। सब उसको भी केक खिलाते। उसके बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। दादाजी अपनी हेड चाय पर बैठे थे। उनके ठीक सामने की चेयर पर देवराज मित्तल बैठे थे। उनके पास वाली सीट पर उनकी पत्नी दिया मित्तल बेटी थी। दादाजी के एक साइड उनकी वाइफ सुवर्णा मित्तल और दूसरी साइड उनकी प्यारी पोती अनाया बेटी थी। अनाया के पास वाली सीट पर उसके डैड बैठे थे। सबके बैठने पर सर्वेंट उनकी खाना सर्व करता है। जब अनाया खाने को देखती गई, जो कि देखने में ही इतना स्वादिष्ट लग रहा था और ऊपर से उसकी खुशबू, उसके मुंह में पानी आने लगता है। वो ललचाए नजरों से खाने को देखने लगती है। उसको ऐसे देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उनको आज अनाया में वो 5 साल वाली छोटी सी अनाया नजर आने लगती है, जो ऐसे ही करती थी। अनाया को जब किसी की नजर खुद पर महसूस होती है तो वो अपना चेहरा ऊपर करके देखती है। सब उसको ही देख रहे थे तो वो सबकी तरफ देखकर क्या हुआ का इशारा करती है तो सब अपना सिर नामे हिलाते हैं। अनाया के डैड उसकी तरफ देखकर अपने हाथ में एक निवाला लेके उसकी तरफ कर देते हैं। अनाया भी उनके हाथ से वो निवाला खा लेती है। वैसे ही दादाजी दादी उसकी बड़ी माँ बड़े पापा अपने हाथ से उसको एक एक निवाला खिलाते हैं। वो भी प्यार से वो निवाला खा लेती है। उसके बाद सब खुशी खुशी अपना अपना डिनर करते हैं। अनाया आज बेहद खुश थी। वो अपने फैमिली को ऐसे प्यार से और खुशी से खाना खाना देखकर खुश हो रही थी। वो मन में सोचती है पिछली लाइफ में उसने कितना कुछ मिस कर दिया था, पर अब वो जो उसने पिछले लाइफ में किया था वैसे कुछ नहीं करने वाली थी। वो अपने परिवार की रक्षा भी करेगी, उनकी हर एक संकट से बचाएगी और उनको खुश भी रखेगी, ऐसा वो खुद से ही वादा करती है। उसको दोपहर को जब वो घर आई थी तब अनामिका का घर आकर उसके खिलाफ अपने परिवार को भड़काना याद आता है तो उसको अनामिका पर बेहद गुस्सा आ जाता है। वो उसको ऐसे ही जाने नहीं देना चाहती थी। उसको एक बेहद बड़ा सबक सिखाने वाली थी, जिसके बाद अनामिका किसी के सामने भी फिर से ऐसा कुछ करने के बारे में भी 100 बार सोचेगी। तभी उसको कुछ याद आता है। वो खुद से ही कहती है, इसका मतलब अनामिका ने पिछले जन्म में भी मेरे खिलाफ मेरे परिवार को भड़काया था। उसको लगा जिससे मैं अपने परिवार से और दूर हो जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो खुद ही मुझसे दूर हो गई थी। शायद डैड ने ही उसको सबक सिखाया होगा, ये सोचकर वो प्यार से अपने डैड की तरफ देखती है, जिनके चेहरे पर आज खुशी और सुकून साफ नजर आ रहा था। ये देखकर उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। वो खुशी के साथ अपना डिनर करती है। डिनर करने के बाद वो सारे हॉल में आके बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। सब लोग आज बदली हुई अनाया को देखकर खुश थे। वो भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि अनाया को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। तभी अनाया के क्या दिमाग में आता है पता नहीं, वो एक नौकर को बुलाकर उसके कान में कुछ कहती है। वो नौकर भी
अपनी मिस की बात सुनकर यूनोन जो कहा था वो करने के लिए वहां से अपने कमरे में चला जाता है। बाकी सब अनाया की तरफ कंफ्यूजन में देख रहे थे। कोई कुछ कहता उससे पहले ही अनाया उनकी तरफ देखकर कहती है, डैड, दादू, दादी, बड़े पापा, परी माँ, मैं जानती हूँ आप सब क्या पूछना चाहते हो, पर थोड़ा इंतजार करो, आप सबको पता चल जाएगा। सब उसकी बात सुनकर शांत होकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सर्वेंट वहां पर एक गिटार लेकर आता है जो कि बेहद ही महंगा था, जिसकी कीमत ही लाखों में थी। उसको देखकर सबको अनाया की मॉम राशि की याद आ जाती है, जिस से सबकी आंखें नम हो जाती है। वो गिटार किसी और का नहीं बल्कि अनाया की मॉम का था। उनको संगीत का बेहद शौक था, वो बेहद अच्छा गाती थी, उनको हर तरह के इंस्ट्रूमेंट बजने आते थे, और यही सब उनके गुण हमारी अनाया भी में भी थी। वो भी बेहद अच्छा गाती थी, उसको भी अपने माँ की तरह हर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना आता था। अनाया के डैड उस गिटार को देखकर बेहद इमोशनल होते हैं। वो अपनी वाइफ से बेहद प्यार करते थे। ये गिटार उनकी वाइफ का फेवरेट था, जिसको देखकर उनको उनकी याद आती है। अनाया अपने डैड को ऐसे इमोशनल देखकर समझ जाती है को वो उसकी मॉम और अपनी पत्नी को याद कर रहे हैं। वो उनके पास जाके उनको हग करके कहती है, डैड, मैंने ये इसलिए नहीं मंगवाया कि आप इमोशनल और दुखी हो जाओ, प्लीज डोंट डू दिस। वो अपने डैड के आंसू साफ करके अपनी पूरी फैमिली की तरफ देखकर कहती है, कोई भी इमोशनल नहीं होगा। वो अपने चेहरा बड़ा ही क्यूट से बनाकर कहती है, प्लीज सब उसका क्यूट चेहरा देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते। उनकी इस वक्त अनाया बेहद प्यारी और क्यूट लग रही थी। अनाया सबको मुस्कुराते हुए देखकर सबकी तरफ देखकर कहते हैं, सो मेरी प्यारी फैमिली में अनाया मित्तल, आप सबको एक सरप्राइज देने वाली है। जैसे आप सबने मुझको इतना प्यारा सरप्राइज दिया है, उसी के लिए ये खास। आप सबके लिए कैसा लगा ये जरूर बताना, अगर अच्छा हो तो अच्छा और नहीं तो भी बताना। ओके, सब अनाया की बात पर अपना सर हिला देते हैं। वो सब भी देखना चाहते थे उनकी ये प्यारी सी गुड़िया उनको क्या सरप्राइज देने वाली थी। वो सब उसके तरफ प्यार से देख रहे थे। अनाया सबके सामने एक सिंगल सोफे पे अपने हाथ में गिटार लेके बैठ जाती है। सबकी तरफ देखकर एक प्यारी शी स्माइल देके वो अपनी आंखें बंद करके अपने एक हाथ से गिटार पकड़कर दूसरे हाथ से उसके तार चीरने लगती है। थोड़े ही समय में उस गिटार से एक प्यारी सी धुन निकलती है, उसी के साथ अनाया की प्यारी आवाज सबके कानों में सुनाई देती है। वो ये गाना खास अपनी फैमिली के लिए गा रही थी। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सबके कान में जब अनाया की प्यारी आवाज जाती है तो सब पहले तो हैरान हो जाते हैं। किसी को भी नहीं पता था कि अनाया इतना अच्छा गाती और बजाती थी। ऊपर से उसने ये जो गाने चुने थे, जिसको सुनकर सब बेहद खुश थे। उनके घर में सबको पुराने गाने ज्यादा पसंद थे और ये दो गाने तो उन सबके फेवरेट थे। श्रेया की इतनी प्यारी आवाज सुनकर सारे सर्वेंट भी वहां आकर सुनने लगते हैं। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी, मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी, तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। अनाया अपनी आंखें खोलकर अपनी फैमिली की तरफ देखकर आगे गाती है, जो सब उसकी तरफ ही अपने आंखों में कही इमोशन लेके देख रहे थे। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। इंसान मारा करते हैं विश्वास नहीं मरता है, नामुमकिन को भी मुमकिन विश्वास किया करता है, सपने सच हो जाते हैं हर दुआ काम आती है, विश्वास की डोर है ऐसी अपनों को खींच लाती है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। ये गाना खत्म होते ही वो अपने जगह से उठकर अपने परिवार के बीच में जाके गाने लगती है, जिसमें उसकी फैमिली भी खुश होकर उसका साथ देने लगती है। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ है, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ है,
नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।